फ्री सब्सक्राइब कीजिए जवाबी बाबा चैनल को और बेल आइकन को दबाएं, रोज पाएं ऑसम नॉलेज वीडियोस। दोस्तों, कंप्यूटर की दुनिया में आपने हो सकता है इस वर्ड को सुना हो, वेब फॉर्म। वेब फॉर्म होता क्या है? अगर इसके बारे में नहीं सुना तो ये वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये वेब फॉर्म टेक्नोलॉजी होती क्या है, इसका क्या यूज है। देखते रहिए इस वीडियो को आगे। मेरा नाम है हुसैन, आप देख रहे हैं जवाबी बाबा चैनल। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, वेब फॉर्म का जो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अगर कोई बड़ी वेबसाइट है, कोई बड़ी एप्लीकेशन है जिसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं, ट्रैफिक उस पर ज़्यादा है, तो एक ज़्यादा ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए यूज़ किया जाता है दो या दो से ज़्यादा सर्वर्स का, जिससे कि ट्रैफिक को एफिशिएंटली मैनेज किया जा सके, हैंडल किया जा सके। जहाँ पर भी ये वेब फॉर्म यूज़ होता है वहाँ पर एक लोड बैलेंसर का यूज़ होता है। किस लिए? ताकि जो भी लोड आ रहा है, जो भी ट्रैफिक का लोड आ रहा है उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन पे, उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। जितने भी सर्वर्स हैं, जितने भी नोड्स हैं उस सिस्टम में, उनमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके ट्रैफिक को। तो मोटा मोटा वेब फॉर्म क्या होता है? वेयर वी आर यूजिंग टू और मोर कंप्यूटर सर्वर्स और नोड्स विच आर होस्टिंग द सेम एप्लीकेशन। ओके, यानी कि अगर कोई बड़ी वेबसाइट है, कोई ऐसी प्रोग्राम है, कोई ऐसा एप्लीकेशन है, कोई ऐसी वेबसाइट है जिसको ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं, तो उसके ज़्यादा ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए वेब फॉर्म टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है। इसमें एक लोड बैलेंसर है, उसका भी यूज़ होता है, जिससे कि ट्रैफिक को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके उन सब सर्वर्स पे या नोड्स पे जो कि उस एप्लीकेशन को सपोर्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये था छोटा सा वीडियो वेब फॉर्म की टेक्नोलॉजी के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि इससे आपका कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर हुआ होगा कि भाई वेब फॉर्म होता क्या है मोटा मोटा। आज के वीडियो में बस इतना ही। इस तरीके के क्या क्योंकि ऐसे वाले वीडियोस में बनाता रहता हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।